वर्ल्ड कप 2019 के बाद इन टीमों के साथ होगा भारतीय टीम का मैच। देखिए शेड्यूल व कार्यक्रम। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड कप 2019 खत्म हो चुका है। अब भारतीय टीम विश्व कप 2019 में 3 अगस्त से वेस्ट इंडीज के साथ और उसके बाद साउथ अफ्रीका व बांग्लादेश और फिर वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलेगी। भारतीय टीम का ये मैच कार्यक्रम वर्ल्ड कप के दौरान ही घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वेस्ट इंडीज का दौरा खत्म होने के दौरान बाद दक्षिण अफ्रीका टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां पर 3 T20 और 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का ये दौरा 15 सितंबर से T20 मैच साथ शुरू होगा और 23 अक्टूबर को टेस्ट मैच के साथ ही खत्म हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा खत्म होने के तुरंत बाद बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। बांग्लादेश टीम इस दौरे पर 3 T20 और 2 टेस्ट मैच 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच खेलेगी। वेस्टइंडीज की टीम 6 दिसंबर को भारतीय दौरे पर आएगी, जहां पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज का भारत दौरा। वेस्टइंडीज की टीम 6 दिसंबर को भारतीय दौरे पर आएगी, जहां पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसी के साथ ही भारतीय टीम का वर्ष 2019 का सफर वेस्टइंडीज के इस दौरे के साथ ही खत्म हो जाएगा। आगामी वर्ष 2020 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।